नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुछ दिनों से लोग कमेंट आ रहा था कि सर हमको ना डेटा रिकवरी करना है, क्या हमको बता सकते हैं डेटा रिकवरी कहाँ करवाएं? तो दोस्तों मैं आज मतलब एशिया के नंबर वन कंप्यूटर मार्केट के अंदर, जहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयरिंग होता है, कंप्यूटर सेल होता है और यहीं पर डेटा रिकवरी होता है। अगर आपका डेटा डिलीट हो चुका है, आपका डेटा गायब हो चुका है, तो आप वेट करिए, पूरे वीडियो में बताता हूँ कहाँ अपना डेटा रिकवर करा सकते हैं। देखिए हमारे पीछे जो दिख रहा दुकान है, ये डेटा रिकवरी स्टोर सेंटर है। दुकान का नाम ये है अब, लेकिन बताता हूँ क्या नाम दुकान का, वेट करिए थोड़ा सा, पहले समझ लेते क्या नाम है। सर जी हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, हमारे जो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास, मैं बात करता हूँ। यूट्यूब चैनल चलता है और यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग जो है, लोग बताते रहते कंप्यूटर कैसे चलाएं, लैपटॉप कैसे चलाएं। तो कुछ लोग कमेंट आ रहा था कि सर हमको डेटा रिकवरी करवाना है। सर तो अब मैं देखा हूँ कि बाहर लगा हुआ डेटा रिकवरी सेंटर करने के लिए। ये बताया सर, डेटा रिकवरी किसी का अगर मान लिया डिलीट हो जाता है, किसी का जो मिस हो जाता है, क्या आप लोग डेटा रिकवरी कर लेते हैं पूरा? हाँ, सभी 99% डाटा रिकवरी हो जाती है। हो जाती है? हाँ जी। हार्ड डिस्क हो जाए, पेन ड्राइव हो जाए, SSD हो जाए, इनमें सब हो जाता है सर? सभी से हो जाता है, खाली मोबाइल की रिकवरी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मोबाइल डेटा रिकवरी नहीं करते हैं, बाकी सब SSD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, SD कार्ड, मेमोरी कार्ड, जो फोटोग्राफर्स वगैरह यूज़ करते हैं वो सारे रिकवर करते हैं, सारे करते रहते हैं। हाँ जी सर। सर मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है, उनका 1 TB का हार्ड डिस्क है, मान लीजिए HDD हार्ड डिस्क है, अगर उनका डेटा मान लीजिए कि पड़ा हुआ 10 GB का डेटा पड़ा हुआ है, तो किस बेस पे चार्ज उनका आप लोग कहते हैं, कितना चार्ज लगे, कैसे चार्ज करते हैं आप लोग? हमारे जो चार्जेस है ना, हार्ड डिस्क के डिपेंड करता है हार्ड डिस्क में क्या फॉल्ट है। अच्छा, उसी के हिसाब से हमने चार्जेस रखे हुए। डायग्नोस आप करते हैं, कस्टमर बताता है आपको? नहीं, हम 10-15 मिनट में डायग्नोस करके पहले कस्टमर को बताते हैं। डायग्नोस करने के कोई चार्ज नहीं लेते, पहले क्लियर कर देते हैं इतना टाइम लगेगा, इतना उसमें एस्टीमेट आएगा। अगर कस्टमर कहता है ठीक है आप उसकी रिकवरी करो, तो उसको करते हैं, नहीं तो मना कर देते हैं। मान लीजिए कस्टमर कोई लेकर आया, क्या कि सर ये हार्ड डिस्क मेरा ख़राब हो गया है, इसको चेक कर लीजिए, आप चेक करते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं इसका जो है 10 रुपये लगेगा, 20 रुपये लगेगा, फिर कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे रिकवरी नहीं कराना है, फिर क्या करते हैं उसके? नहीं, उसके लिए कोई चार्जेज नहीं लेते हम, चेकिंग के कोई चार्जेज नहीं हमारे। माने आपने आधा घंटा एक घंटा समय दिया, उसके बाद भी कस्टमर नहीं करवाता, कोई चार्ज नहीं? कोई चार्ज नहीं उसका, कोई चार्ज नहीं है। नहीं, मान लीजिए कि कैसे कैसे टाइप, कोई कभी देखता हूँ कि हार्ड डिस्क होता है ना, वो हार्ड डिस्क गिर जाता है, टूट जाता है, उसमें हेड होता है, नुकसान हो जाता है कभी कभी, कभी प्लेटर टूट जाता है, तो ये सारी चीज़ें डेटा रिकवर हो सकते हैं आपकी? नहीं, प्लेटर जैसे बिल्कुल ही टूट जाता है तो उस केस में तो डाटा रिकवरी नहीं हो पाती है। अच्छा, इस हार्ड डिस्क का अगर प्लेटर टूट जाएगा तो रिकवरी हो पाएगा? नहीं, प्लेटर पर डाटा होता है, अगर वही टूट गया तो उसको कैसे डाटा नहीं निकल सकता उससे? कैसे टूटता सर प्लेटर? प्लेटर नहीं टूटता, इसमें हेड टूटता है। अच्छा, प्लेटर टूटता ही नहीं, हेड ही टूटता है। जो हेड जो प्लेटर से रीड करता है वो टूट जाता है, उसके टूटने की वजह से वो डाटा मतलब निकल नहीं पाता उससे। अच्छा अच्छा, तो हेड ट्रांसप्लांट करके हम डाटा रिकवर कर देते हैं उस चीज़। मोटा मोटी मान लीजिए 10 GB का डाटा पड़ा हुआ हार्ड डिस्क के अंदर, कितना रुपये चार्ज आएगा अगर हेड टूट गया है तो? नहीं, हेड वाले केस में या 10 GB से डाटा 20 GB हो, 100 GB हो, उसमें हेड ट्रांसप्लांट करके डाटा निकाला जाता है, और वो हर एक हार्ड डिस्क का अलग अलग चार्जेज होता है, हार्ड डिस्क को देख के एग्जैक्ट हम बताते हैं उसका क्या चार्ज होगा रफली। मतलब ये मानो हो जाता है? हाँ, उसमें रफली 5,000 से लेके आपका 20-25,000 तक होता है चार्जेस। उसके बाद सर कहते हैं जो पेन ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है, तो वो ज़्यादा इजी रिकवर करने के लिए होता है कि हार्ड डिस्क रिकवर करने ज़्यादा इजी होता है? नहीं, पेन ड्राइव वगैरह ज़्यादा इजी होती है जनरल यूज में, जैसे डिलीट हो गया, फॉर्मेट हो गया, तो उसमें इजीली डाटा निकल जाता है, हो जाता है। लेकिन कई कुछ केसेस में जैसे डिटेक्शन नहीं आ रही है कार्ड में या पेन ड्राइव में डिटेक्शन नहीं आ रही है, तो उसको फिजिकली हम उसकी चिप निकाल के दूसरी पेन ड्राइव में उसको रिप्लेस करके फिर डेटा निकालते हैं। अच्छा, कर लेते हैं। सर ये डेटा रिकवरी के मैनुअल करते हैं, कुछ मशीन लगा आप लोग के पास में? मैनुअल भी करते हैं, मशीन भी लगी हुई है हमारे पास। इसकी मशीन रिकवरी के बड़े महंगे आते हैं क्या सर? हाँ हाँ, इसकी 10-20 लाख तक की मशीन है। मुझे लगता है मार्केट में बहुत लिमिटेड होता होगा मशीन तो? हाँ हाँ, लिमिटेड लोगों ने लगा रखी है। अगर मान लीजिए कि इंडिया किसी कोने से आपके संपर्क करना चाहता है, अगर डेटा वो फोन करे कि भैया सर इसमें हेड टूट गया, ये कर, तो फोन पे ही आपको तो गाइड कर सकते हैं कि? फोन पे गाइड कर देंगे, कोई दिक्कत। फिर वो आना चाहे आ सकता है आपके पास में? अभी भी आए, मोस्ट वेलकम, संडे ऑफ रहता है, बाकी दिन किसी भी दिन आए आ सकते हैं वो। हाँ सर, देखिए ये हार्ड डिस्क रही है, हार्ड डिस्क के बाद आ चुका है M.2 SSD आ चुका है, SATA SSD आ चुका है, NVMe आ चुका है। जैसे ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये मेरे पड़ा हुआ है, ये है, उसके बाद जो है ये चिप वाला आ चुका है। ये लोग कहते ये हैं कि जैसे हार्ड डिस्क में तो आप डेटा रिकवर कर लेते होंगे, क्या इसमें भी डेटा रिकवर हो जाता है सर? ये इसमें भी डाटा रिकवर हो जाता है, बेसिकली इसमें चिप और ये कंपोनेंट जो होते हैं वो हम इसको रिप्लेस करके, इसको रिपेयर करके उस बेस पे डाटा निकालते हैं। इसमें ज़्यादा चार्ज लगता है कि सर उसमें ज़्यादा चार्ज लगता है? चार्जेस डिपेंड करता है फॉल्ट के ऊपर, फॉल्ट कैसा उसी हिसाब से चार्ज। मतलब फोल्डर फॉल्ट? अच्छा, फॉल्ट क्या है उसके? हाँ, प्रॉब्लम क्या है उसमें, उसी हिसाब से चार्जेस होते हैं। अच्छा, फॉल्ट को डिपेंड करता है क्या चार्ज लगते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि पूरा दूर दूर से, पूरे इंडिया से लोग आपके पास आते होंगे।
हाँ हाँ, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं हमारे पास। अच्छा, कुछ मशीनें दिखा सकता हूँ अंदर, कैसे कैसे मशीन आपकी हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, आइए मेरे साथ, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये अच्छा, हाँ, ये मदरबोर्ड, जो लैपटॉप के जितने भी मदरबोर्ड होते हैं, हाँ हाँ, उसकी बीजीए मशीन है, इसके थ्रू हम जो, एक मिनट बता दूँ मैं आपको, जो लैपटॉप के जो मदरबोर्ड आते हैं ना, उसमें मोस्टली प्रॉब्लम ये आता है कि हीट हो जाता है, हीट होकर गर्म होता रहता है, तो दुकानदार नॉर्मल क्या करते हैं, वो उसको हीटअप करते हैं, उसको ऑन करते हैं, फिर लैपटॉप चार्ज ले लेते हैं। तो देखिए, इनके पास ये मशीन लगा हुआ है, ये कह रहे हैं बीजीए कार्ड जो होता है ना, बीजीए कार्ड को भी जो है चेंज कर देते हैं। ये दिखा रहे हैं आपको मदरबोर्ड, बीजीए चिप है ये, देखिए मैं जा रहा था गोरखपुर के अंदर ना, वो क्या करते हैं, अगर ये मान लीजिए बीजीए पीस खराब होता है जिसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा रहता है, क्या करते हैं, हीटअप करते हैं इसको, हीटअप करके इसको चार्ज कर देते हैं। आप लोग हीटअप नहीं, आप लोग चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते, रिप्लेस कर देते हैं। ये रिप्लेस करने मोटा चार्ज कितना चलाता है? ये जनरली इसका 2500-3000 तक हो जाता है, और फिर चलता है, होती है? हाँ हाँ, क्योंकि हमारे पास जो गर्म कर देते हैं 6 महीने चलता, फिर दिक्कत कर देते हैं। 2 महीने की हमारी वारंटी होती है, इसकी 2 महीने की वारंटी, बाकी नया लगा देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये तो मदरबोर्ड वाला हो गया। अच्छा, ये हार्ड डिस्क रिकवरी वाला आपका काम हो रहा है, देखिए रिकवरी का सेटअप है, पूरा रिकवरी का, देखिए देखिए, ये हार्ड डिस्क सर रिकवर हो, यही आपका डेटा रिकवर हो रहा है, ये डेटा रिकवर हो रहा है, इसमें कार्ड लगे हुए, अंदर लेटेस्ट कार्ड लगे हुए हैं सारे। अच्छा, कार्ड बड़े महंगे आते हैं? हाँ, महंगे महंगे आते हैं इसमें। अच्छा, ये देखिए कार्ड हो गया, ये लगा सर का, ये बता रहे हैं, ये देखिए हार्ड डिस्क रिकवर हो रहा है, ये और इस तरीके से इसको करते हैं। सर मान लीजिए कि इसमें चिप जो चेंज होता है, चिप भी आप लोग चेंज कर देते हैं पूरा वगैरह सारा, चिप तो मैनुअली, जैसे ये सेटअप है, चिप चेंज यहाँ से करते हैं हम लोग। अच्छा, दिखाइए, अच्छा देखिए, ये सारा मशीन है, ये मशीन लगी हुई, ये पूरा पूरा ये रिकवर करने, यहाँ सारी चिप वगैरह भी चेंज हो जाती है, मदरबोर्ड रिपेयर का भी यही यही सेटअप है पूरा। अच्छा, पूरा पूरा ये यहाँ से पूरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बताता हूँ मैं आपको, जानना है एड्रेस, जानना है तो वेट थोड़ा कर लीजिए, दिखाता हूँ आपको मैं, देख लीजिए ये तो नेहरू प्लेस में अगर आएंगे ना, तो एशिया का नंबर वन मार्केट है कंप्यूटर, यहाँ लैपटॉप रिपेयर होता है, कंप्यूटर रिपेयर होता है, सारी चीज़ें होती रहती हैं। और आप पूछना चाहते हो, चलता हूँ आपको मैं बताता हूँ, बहुत बेसब्री इंतजार करूँगा एड्रेस। आप सर जब कार्ड दिखा दिए अपना, तो मैं बता दूँ एड्रेस, दिखा दो आपको, तो कार्ड सर यहाँ रखिए, जाता हूँ कार्ड रखिए, नोट करते जाइए, देख लीजिए, कॉन्टैक्ट पर्सन मिस्टर राज हैं, और मोबाइल नंबर इनका नोट करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, और इंडिया किसी कोने से फ़ोन करेंगे संडे को छोड़ करके, तो आपके फ़ोन को उठाएंगे और आपको जवाब देंगे। आप इसका कंप्यूटर है स्पेशल इन द डेटा रिकवरी एंड मैकबुक। सर मैकबुक रिपेयर करते हैं आप लोग? हाँ, मैकबुक एयर जितना सब टोटल हो, कोई भी किसी तरह का भी लैपटॉप हो, हाँ, सभी रिपेयर करते हैं, जो एप्पल के, अच्छा, जो नहीं हो पा रहा है वो हम रिपेयर करते हैं। अच्छा, जो कहीं से हुआ नहीं हो आप लोग करते हैं, जो बोर्ड आपसे नहीं हो पा रहा वो हमारे यहाँ भेजे, हम रिपेयर करेंगे। ये मान लीजिए जैसे मेरा वीडियो ना ऑल ओवर इंडिया से देखते रहते हैं लोग, देखते रहते हैं, अब मान लीजिए कोई अगर कोई देखता है यूपी से, देखता है वीडियो, देखता है हमारा वीडियो, देखने के बाद में वो क्या कहता है कि सर कि हमको जो है अपना मदरबोर्ड लैपटॉप रिपेयर करवाना है, कॉन्टैक्ट करेगा, फिर कैसे कॉन्टैक्ट, उसको लाना पड़े उतना दूर से, कि कैसे क्या ऑप्शन है? पहले फ़ोन पे बात कर लें क्लियर, जो भी फ़ोन पे हमें प्रॉब्लम बताएं कि भाई क्या प्रॉब्लम है उसमें, और जितना उनको रिपेयर आता उतना ही करें, उससे ज़्यादा ना करें, ज़्यादा बोर्ड को ना छेड़ें, बाकी हमारे यहाँ भेजें, बाई कोरियर भेजें। अच्छा, तो हम रिपेयर करके बाई कोरियर उनको वापस भेज देंगे, तो चार्ज आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आने की जरूरत नहीं? नहीं नहीं, कोई आने, मतलब बनने के बाद चार्ज देना पड़ेगा, पहले कुछ एडवांस देना पड़ेगा? नहीं नहीं, एडवांस कुछ नहीं देना पड़ा। अगर नहीं बनेगा तो सर? नहीं बनेगा तो पैसे रिफंड हो जाते हैं। अच्छा, पैसे रिफंड, और पैसे बनने के बाद ही लेते हैं हम लोग। अच्छा, पैसा बनने के बाद ही लेते हैं। जी जी, ठीक है सर, मतलब एड्रेस बता दिया आपका, मुझे लगता है कि कोई वीडियो देखेंगे तो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, मुझे लगता है वन मंथ की वारंटी भी होती है उसमें, वारंटी होती है। हाँ, इनकेस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट पाता है तो पैसे रिफंड हो जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, देखिए कोई वीडियो देख कर आपके पास आएगा ना, तो उसको जो मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता हो ना, तो उसके बाद उसको देने का प्रयास करिए। बिल्कुल, कोई बोले कि हम लोग जोगेंद्र ज्ञान का यूट्यूब चैनल देखकर आपके पास आए हुए हैं और हमको जो है शोर दे दीजिए। शोर सर, शोर शोर शोर। आप पुराना लैपटॉप भी सेल करने काम करते हैं क्या? नहीं, लैपटॉप सेल नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, ये मिस्टर राज थे और अपेस्ता कंप्यूटर है, ये पूरा एड्रेस नोट कर सकते हैं, 101A2 राजा हाउस 31 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली 19, और ईमेल आईडी इनका है ये, आपका वेबसाइट भी इनका है, ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें बताइए ना, कि हार्ड डिस्क का डेटा रिकवर करना हो, चाहे ये साटा SSD हो, चाहे NVMe हो, चाहे M.2 हो, कोई भी अगर हो, वो चुका और नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनके स्टाफ काम करें सारी चीज़ें, इनका लैपटॉप रिपेयरिंग का स्पेशलाइजेशन है और ये डेटा रिकवरी काम करते हैं दोस्तों। डेटा रिकवरी बता ही रहा हूँ सर, तो डेटा रिकवरी में आप स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आपने पूरा मशीन दिखा दिया आपको मैंने, सर से बात भी करवा दिया है, इनके स्टाफ को दिखा दिया, फिर मैंने आपको एड्रेस भी नोट करवा दिया है, और बोलेंगे तो डिटेल में आपको पूरा इसका डिटेल दे दूंगा मैं। तो नेहरू प्लेस आना अगर हो तो आइए, नहीं आना तो इनके कॉन्टैक्ट में फ़ोन करके आप काम करवा सकते दोस्तों। वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे, वीडियो आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए के लिए कैसा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत सारे लोग चाहते हैं उनका डेटा रिकवरी हो जाए, हो सके इस वीडियो को देखने बाद में कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा हो सके। आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों, सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।